नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं दीपा राय। साकुन प्रखंड के गोगाय पंचायत के पूर्व मुखिया पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। भागलपुर जिला के साकुन प्रखंड के ग्राम पंचायत गोगाय के पूर्व मुखिया दीपक कुमार सिंह एवं उनकी पत्नी मंजू देवी पर करोड़ों रुपए घोटाला करने का आरोप प्रकाश में आया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, दूसरे तीसरे काम को दिखाकर पैसा पास कराकर पूर्व मुखिया ने करोड़ों रुपया का गबन किया। अभी तक पंचायत में नल जल योजना का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया है और बिल पास कर रुपया गबन कर लिया गया। स्वरोजगार घोटाले को लेकर 3 साल से आयुक्त कार्यालय में केस चल रहा था, जिसको लेकर लोक आयुक्त न्यायालय भागलपुर के आदेश अनुसार जिला के जांच अधिकारी DRDA डायरेक्टर प्रमोद पांडे और DPO मनरेगा एवं जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा जांच किया गया। आपको बता दें कि साकुन प्रखंड के अंतर्गत गोबराय पंचायत में विभिन्न मनरेगा योजनाओं की जाँच किया गया। साथ में PO साकुंड, PRS साकुंड, अकाउंट साकुंड, JE साकुंड भी शामिल थे, जो कि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि पुरुषोत्तम कुमार सिंह की उपस्थिति में एवं पंचायत के सभी प्रतिनिधि, वर्तमान मुखिया बांदना कुमारी पंचायत गोबराय, सरपंच मंजू देवी, पति प्रमोद राम, पूर्व सरपंच चंद्र भानु पासवान, वार्ड सदस्य पद कुंज बिहारी कुमार एवं समस्त पंचायत के जन तागन की उपस्थिति में किया गया। जांच के घोटाला में मनरेगा योजना का नाम बदलकर करोड़ों राशि का गबन पाया गया, जो पूर्व मुखिया मंजू देवी एवं मुखिया दीपक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। जल नल योजना के में करोड़ों रुपए का घोटाला पाया गया। जांच अधिकारी ने आदेश दिया कि जल्द ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सबसे बड़ा घोटाला है। अच्छा, ये कौन सी घोटाला है? ये घोटाला है आपका मनरेगा के घोटाला है। अच्छा, पंचायती राज के तहत? पंचायती राज के तहत। ये घोटाला कितने का घोटाला हुआ है? ये घोटाला लमसम जो अभी एक मामला चल रहा है, जो आज हमारे जिलाधिकारी का जांच। अच्छा, इस जांच में एक सबसे बड़ा घोटाला है, 60 लाख का घोटाला है। ये घोटाला मतलब कितने दिन के अंतर्गत का ये है? ये घोटाला कम से कम पिछले 3 सालों से चल रहा है। 3 सालों से। तो ये घोटाला जो मतलब जो है कि कौन घोटाला कौन किया है? घोटाला ये मुखिया किया, पूर्व मुखिया किया है दीपक कुमार सिंह, और 15-16 में एक मुखिया थे, 15-16 में जो है मुखिया दीपक सिंह थे। अच्छा, 16 के बाद जो है फिर मंजू देवी मुखिया हुई, उनके रीजन में 50 लाख का घोटाला है मनरेगा से। तो घोटाले में कितने लोग सम्मिलित हैं? घोटाले में तो जो है PO है, PRS है, अकाउंटेंट्स है। अच्छा, मुखिया हैं, तमाम अधिकारी इसमें सम्मिलित। तो जिला अधिकारी जो जांच में आए तो क्या हुआ? मतलब जिलाधिकारी पूर्व में एक बार जांच में आए थे, तो उनका जो जांच प्रतिलिपि प्राप्त हुआ था वो हमारे विरोध में पाया गया था। दोषी को जो है सजा मिलना है और हर हालत में मिलना है। गोबराय पंचायत में जो पोखर है, अच्छा, उसको बता दिया जाता है कि राहुल नगर का पोखर है, जबकि पोखर गोबराय में स्थित है। हम लोग को यही सबसे बड़ा दुख होता है कि जो हकीकत चीज है उसको भी झुठलाने में लगा है, और कोई दूसरा नहीं, खुद मुखिया जी बताते हैं, पूर्व मुखिया जी दीपक कुमार, उनकी पत्नी का नाम है मंजू देवी। अच्छा, उनका कहना है कि ये पोखर है राहुल नगर में, जबकि पोखर है गोबराय में। पंचायत नरगा के संबंध में तो जा करके कि लड़ाई हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में गोबराय का जो होना चाहिए पोखर वहाँ नहीं बन कर करके महनपुर में बना दिया गया है। अच्छा, गोबराय का जो पंचायत भवन होना चाहिए गोबराय में, जगह सब कुछ अवेलेबल रहते हुए भी महनपुर में बना दिया है। नहीं, 2 नंबर वार्ड में इधर हमारे गांव में नहीं काम हुआ है। अच्छा, अनुसूचित जाति है दोनों में, वहाँ भी नहीं है, भंडार वन में नहीं है, बरसात दिन में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, एक भी नहीं काम किया है पहले मुखिया ने। मतलब भंडार वन में अनुसूचित जाति के की तरफ दोनों में सब पैसा घोटाला कर लिया है। पैसा सब घोटाला कर दिया है।